जय हिंद साथियों, आइए इस क्लास में पंचायती राज व्यवस्था शासन के विकेंद्रीकरण की हम चर्चा करते हैं। मित्रों, इसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की चर्चा की जाएगी, शासन के छोटे छोटे टुकड़ों की चर्चा की जाएगी जो एक बड़े राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐतिहासिक परिदृश्य पर बात करें। मित्रों देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में ग्रामीणी ग्राम और ग्रामीणी की चर्चा मिलती है, यानी कि देखा जाए तो ग्राम पंचायतों के छोटे छोटे टुकड़े, या यूं कह लीजिए शासन के छोटे छोटे टुकड़े, इनका उल्लेख वैदिक संस्कृति से, वैदिक सभ्यता से मिलती है। उसके बाद मित्रों, ग्राम पंचायतों का विशेष जो उल्लेख मिलता है वह दक्षिण भारत के चोल और चेर राज्यों में मिलता है। मित्रों, इसके आगे आप थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो आप देखेंगे मध्यकाल में भी कहीं ना कहीं से ग्राम पंचायतों के गठन की मांग उठाई गई थी। शासन टैक्सेस जो होते थे उस समय, कर को ग्रहण करने के लिए छोटी छोटी बातों को जो उस समय जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी। मित्रों, जब आधुनिक काल आया, भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने खुद कलेक्टरों का, कलेक्टर पद का सृजन किया जो लगान को गांव गांव से वसूलते थे। साथियों, इन कलेक्टरों का की मदद के लिए गांव के जो सबसे सम्भ्रांत व्यक्ति होता था उसको जमींदार कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं से आप देखिए, शासन के छोटे छोटे टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती रहती थी। ऐसी स्थिति में शासन के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जो पहला ऐतिहासिक कदम उठाया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा उठाया गया था। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। साथियों, ध्यान देंगे आप लोग, 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की तरफ एक ऐतिहासिक कदम उठाया और उसको कहा गया स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। आगे चलकर इसी लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। देखिए, थोड़ा सा और आगे आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जो थे, राष्ट्रीय आंदोलन के पुरोधा महात्मा गांधी का भी विचार था कि स्थानीय स्वशासन का गठन किया जाए, पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाए। शासन के विकेंद्रीकरण की तरफ महात्मा गांधी का रुझान था, क्योंकि बेसिक चीजों पर महात्मा गांधी का विशेष रुझान हुआ करता था। मित्रों, आगे जो है, एक जो है और ऐतिहासिक पुरुष थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो स्थानीय स्वशासन के पक्ष में नहीं थे। अब जो भी राजनीतिक दर्शन रहा हो, लेकिन इसके अलावा भी वो राजनीति स्थानीय स्वशासन के पक्षधर नहीं थे, फिर भी भारत के संविधान के आर्टिकल 40 में नीति निषेधक तत्वों के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायतों के गठन की बात रखी गई थी। नीति निषेधक तत्वों में 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी, इसको रिजर्व में रखा गया था। आगे देखिए उसमें हुआ क्या। जैसे ही आजादी के बाद तमाम समितियों का गठन हुआ, मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ऐसी स्थिति में जो सबसे पहला ऐतिहासिक कदम था वह था पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां। इसमें पहला ऐतिहासिक कदम था बलवंत राय मेहता समिति का। मित्रों, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ। और इसमें साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश में त्रिस्तरीय पंचायत को लागू करने की बात कही। त्रिस्तरीय पंचायत में ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर, यानी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इसकी गठन की सिफारिश की थी किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। बाद में 1977 में जो है अशोक सिंह मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई, इसने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की। आगे आपको बताना चाहेंगे पीवी के राव समिति 1985, पीवी के राव समिति 1985, इस समिति ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं के विकेंद्रीकरण की बात कही। किसने?
पीवीके राव समिति ने केंद्र सरकार की योजनाओं के विकेंद्रीकरण की बात कही। आगे हम बताना चाहेंगे कि एक अगली जो 1989 में एक समिति गठित की गई थी, अंतिम समिति, उसने कहा एल एम सिंघवी ने तीन सलाह दिया था। उसने कहा कि ग्राम पंचायतों को जो है या पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया जाए और ग्राम पंचायत का गठन किया जाए और त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया जाए, ऐसा एल एम सिंघवी ने अपनी सिफारिश में कहा कहा 1989 में। इसी आधार पर जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। साथियों आगे आप नोटिस करेंगे इसके तहत संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 के अंतर्गत कुल 16 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। साथियों ध्यान रखिएगा 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों से रिलेटेड थी, 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, इसमें ग्राम पंचायतों को कुल 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिला। 29 विषयों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित विषय थे जिसकी चर्चा आप करेंगे, आप देखेंगे आगे। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1993 में, इसमें नगर पालिका परिषद के गठन की बात रहेगी। साथियों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और संविधान के भाग 9 का को जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 में त से लेकर या छ तक कुल 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नगर पंचायतों को प्रदान किया गया। आगे हम आपसे चर्चा करेंगे पंचायती राज का शुभारंभ जो है 2 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात हो जाए, पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ था इसको किसने किया था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे जो है 11 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया। देखिए मित्रों नगर पालिका परिषद पर फिर थोड़ा सा फोकस किया जाए, इसमें हुआ क्या था, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में 29 सितंबर 1688 को की गई। मित्रों अंग्रेजों के टाइम में मद्रास में पहली बार नगर निगम की स्थापना की गई थी। आगे इस दशा में 24 अप्रैल को भारत में पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान आप देंगे कि 24 अप्रैल को भारत में पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। देखिए इन पंचायती राज का जो कार्यकाल था 5 वर्ष निर्धारित किया गया, इसके चुनाव को लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई और इसी में महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण भी प्रदान करने का काम किया गया। देखिए मित्रों पहले क्या था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूपरेखा नहीं दिया गया था, लेकिन इसके तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को भारत में एक स्थायी रूप प्रदान किया गया और इसके तहत आज आप भारत में काफी जो है समृद्ध और संगठित देश बन चुका है। जय हिंद साथियों।